दोस्तों माय मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का टूर, थोड़ा सा दिखाते हैं, संक्षेप में बताएंगे। ये है गणेश शंकर विद्यार्थी केंद्रीय पुस्तकालय। अभी आप बाहर से देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर हरियाली भी है। ये देख रहे हैं कितना सुंदर ये पार्क बना हुआ है, छोटा सा फव्वारा लगा हुआ है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है ये। पहले इसको ऊपर देखो दिख रहा है सेंट्रल लाइब्रेरी, वो तो थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है, ये देख रहे हैं आप सेंट्रल लाइब्रेरी, लेकिन ये ख़त्म कर दिया है, ये आ गया है गणेश शंकर विद्यार्थी केंद्रीय पुस्तकालय। तो आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी के सामने की ये कितनी बढ़िया सुंदर हरियाली है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो देखते हैं अंदर जा कर के। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी? नहीं, ये लाइब्रेरी के सामने का। अच्छा, ये लाइब्रेरी के सामने का ये ग्राउंड है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। ये आप देख रहे हैं बहुत हरियाली है, लेकिन अच्छा बना है अब तो पहले से। और आप देखिए इधर, ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये सुंदर लाइब्रेरी हो रही है। ये इधर है MBA डिपार्टमेंट, ये लाइब्रेरी पीछे छूट गया है, ये MBA डिपार्टमेंट है। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी का छोटी सी एक झलक है, फिर किसी दिन दिखाएगा पूरा डिटेल्स में, लेकिन अभी छोटा सा ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। और ये है जगह समाज कार्य विभाग, SPW। अच्छा, ये आप देख रहे हैं समाज कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। बहुत आज बिल्डिंग बन रही है भाई, अब तो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा। और इधर जो है ये आपका यह कैंटीन, यहाँ पर आप खाइए बैठ करके, आनंद लीजिए खाने का। इसका भी रेनोवेशन चल रहा है, चारों तरफ रेनोवेशन चल रहा है। ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये हाँ सारी बिल्डिंग का रेनोवेशन हो रहा है, पैसा ठीक ठाक आ गया है। और ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये देख रहे हैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस कितना सुंदर बढ़िया बनाया है। यही बाहर से दिखाई देता है गुम्बद रोड से, ये देखिए स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस फिजियोथेरेपी OPD, वाह मजा आ गया भाई। अब व्यू देखिए, और ये इधर भी बोर्ड यही लगा है, स्वास्थ्य केंद्र, वाह हेल्थ सेंटर भी है भाई। इधर जो है आप देख रहे हैं ये है हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, वैसे हर डिपार्टमेंट में होना ही भी चाहिए स्वास्थ्य संबंधित। अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर है। और चलते हैं अब आगे कुछ, इधर बिल्डिंग देखते हैं। ये देखिए संयुक्त व्याख्यान का लेक्चर हॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ये आपको अंदर से दिखाया जा रहा सारा व्यू, अति सुंदर है, घुमा घुमा के पूरा जो है आप देखिए। लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ये लेक्चर हॉल है, ये बहुत बढ़िया है, अच्छे बने हैं, सुंदर बन गया है अब तो पहले की अपेक्षा। अब कोई चीज धीरे 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 अच्छी बनती है। कंप्यूटर सेंटर है उधर पीछे, आप देख रहे हैं उधर कंप्यूटर सेंटर है। और हम लोग अब जा रहे हैं अब बाहर की तरफ, समय है कम, छोटा सा ब्लॉग है, इसी को प्यार दें, कभी आगे दिखाएंगे कभी जो है। ये आ गए अब वहाँ पर मेन रोड पर, यानी यूनिवर्सिटी का जो मेन रोड है, थिएटर हाँ ओपन थिएटर। और यहाँ पर भी एक ओपन थिएटर है, वो आपको दिखाएंगे। ये चौराहा देखिए, गोल चौराहा तो हर जगह है, ये भी गोल चौराहा है, IIT कानपुर में भी गोल चौराहा है, और यहाँ पर भी गोल चौराहा है। आज फ्री है, आज छुट्टी पर है, तो चलो देखते हैं
पास है कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान है। बहुत सुंदर बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सेवा उद्यान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विद्यार्थियों के सहयोग से विकसित किया गया है। बहुत अच्छा बना, विकसित किया गया है। एलुमनाई ने जो है बनवाया है इसको, बहुत सुंदर बनवाया है। काफी सुंदरता पूर्वक जो है दिखाई दे रहा है। ये इधर है इंटरनेशनल सेंटर, आप देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल सेंटर, काफी कुछ सुविधाएं हो गई हैं अब तो। बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया हो गया है ये इंटरनेशनल सेंटर। दया मार्ग ये आ गया, देखो चौराहा प्रेक्षागृह, ये है प्रेक्षागृह, लक्ष्मीबाई प्रेक्षागृह। ये लग रहा ऑडिटोरियम है, ये है प्रेक्षागृह, इसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स की या कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं वो इसी में होते हैं। सुंदर बना हुआ है, काफी सुंदर है ये। और ये है औषधि वार्ड का, इसमें आप देखेंगे जो धनवंतरी, इसमें जो है सारी औषधियां जो है, या नर्सरी मान लीजिए एक तरह से, मेडिकल प्लांट्स हैं यहाँ पर। मेडिकल गार्डन है ये, जो धनवंतरी जी के लगे हुए ये प्रतिमा है। बहुत बढ़िया यार, सुंदर, बहुत अच्छा बना है। और ये इधर अमृत सरोवर, इधर है अमृत सरोवर, आपको दिखाते हैं अमृत सरोवर। ये देखिए ये अमृत सरोवर है, ये इसमें कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, बॉटनिकल हैं ये, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है ये अमृत सरोवर। बहुत अच्छा, भविष्य के लिए जल संरक्षण की सृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल की शुरुआत की। ये फन स्ट्रोक स्विमिंग पूल, बहुत सुंदर नाम ही इसका फन स्ट्रोक है। तो आगे अंदर क्या होगा, अभी तो बंद है ये, शाम के टाइम में खुलेगा। बहुत मजेदार, और इसमें आइए नहाइए और मस्त रहिए, सीखिए स्विमिंग कैसे होती है। ये क्या है भैया? अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स ये एक्टिविटीज के लिए ये फील्ड है। ये आप देख रहे हैं, हाँ ये रेजिडेंशियल आ गया है आगे, और ये स्पोर्ट्स फील्ड है। ये यहाँ पर ये गेम्स वगैरह होती रहती है लोगों के, बच्चों के। खेल तो जरूरी है बच्चों के लिए, पढ़ाई के प्रेशर इतना होता है कि खेल तो बहुत जरूरी है, इनको खेलना ही चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक मानसिक जो है आपके, और उधर ये हॉस्टल है आप देख रहे हैं, इधर ये पुरुष छात्रावास ये लिखा है, बिल्कुल बॉयज हॉस्टल, हिंदी में भी लिखा है पुरुष छात्रावास। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्या आपको सीखने को मिला, क्या देख करके आपको अच्छा लगा? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से पुस्तकालय जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, पुस्तकालय किसी इंस्टीट्यूट की हार्ट होती है। सारे इंस्टीट्यूट का कारभार इसी के पास होता है, पढ़ाई का, क्योंकि सारे कितने भी डिपार्टमेंट हो, इनका सबके डिपार्टमेंटों में एक किताब जरूर आती है। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये पुस्तकालय में ही ये ज्ञान मिलेगा, सारी लाइब्रेरी में ही ज्ञान मिलेगा, ये पुस्तकों से ही ज्ञान मिलेगा। सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्थान होता है गुरु, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस लाइब्रेरी का, महत्व बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं ग्रीनरी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।